नमस्कार दोस्तों, पूरे विश्व में बनाए जाने वाले सैकड़ों व्यंजनों में अनेक प्रकार के मसालों का इस्तेमाल किया जाता है। इनसे न सिर्फ भोजन की खुशबू और स्वाद बेहतर होता है, साथ ही भोजन की पौष्टिकता भी काफी बढ़ जाती है। प्रायद्वीप और एशियाई देशों के भोजन में तो मसालों की एक बड़ी श्रृंखला का खूब प्रयोग किया जाता है, जिनमें कई औषधीय गुण होते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं पवन शर्मा आपसे एक ऐसे ही मसाले की जानकारी साझा करने जा रहा हूं, जिसे हम सभी हल्दी या टर्मरिक के नाम से जानते हैं। हल्दी एक मसाला है जो आमतौर पर कई भारतीय, मध्य पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशियाई व्यंजनों में इस्तेमाल होता है। इसकी विशेषताओं में हल्की गर्माहट, थोड़ा कड़वा स्वाद और एक विशिष्ट पीला नारंगी रंग शामिल है। मसाले के रूप में हल्दी के कुछ प्रमुख गुणों और लाभों में शामिल हैं इसका विशिष्ट स्वाद। हल्दी एक बहुमुखी मसाला है जिसका उपयोग सूप, स्टॉल्स, करी और चावल के व्यंजनों सहित कई प्रकार के व्यंजनों के स्वाद को बढ़ाने के लिए किया जाता है। हल्दी का खास रंग। हल्दी को अक्सर अपने जीवंत पीले नारंगी रंग के कारण प्राकृतिक खाद्य रंग के रूप में प्रयोग किया जाता है। हल्दी का पोषक तत्व। हल्दी में आयरन, मैंगनीज और फाइबर के अच्छे स्रोत मिलते हैं और में अन्य विटामिन और खनिज भी काफी मात्रा में होते हैं। औषधीय गुण। हल्दी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है जो शरीर को फ्री रेडिकल से होने वाले सेल्यूलर नुकसान से बचाने में मदद करती है। हल्दी के स्वास्थ्य लाभ। इसके स्वाद और पौष्टिक गुणों के अतिरिक्त हल्दी को पाचन समस्याओं, गठिया, अवसाद और कैंसर जैसी विभिन्न स्थितियों के लिए संभावित स्वास्थ्य लाभ के रूप में प्रयोग किया जाता है। एंटी इंफ्लेमेटरी गुण। कच्ची हल्दी में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो दर्द और सूजन से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव। कच्ची हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट भी काफी मात्रा में होते हैं जो मुक्त कणों के कारण होने वाली सेलुलर क्षति से बचाने में मदद करते हैं। पाचन में सुधार। कच्ची हल्दी को पाचन क्रिया में सुधार और अपच के लक्षणों को कम करने के लिए बताया गया है, जैसे सूजन और गैस। बेहतर मस्तिष्क कार्य। कुछ शोध बताते हैं कि कच्ची हल्दी मस्तिष्क के कार्य में भी सुधार कर सकती है और अल्जाइमर जैसे न्यूरोडीजनरेटिव रोगों के जोखिम को कम कर सकती है। कैंसर की रोकथाम। कच्ची हल्दी में संभावित कैंसर रोधी गुण पाए गए हैं और ये कैंसर कोशिकाओं के विकास और प्रसार को रोकने में मदद कर सकती है। कुल मिलाकर हल्दी एक बहुमुखी और स्वादिष्ट मसाला है जो विभिन्न प्रकार के व्यंजनों में पोषण और स्वास्थ्य लाभ जोड़ सकता है। हल्दी का उपयोग सीमित मात्रा में करना सबसे अच्छा होता है क्योंकि इसके अधिक सेवन से दुष्प्रभाव हो सकते हैं। मगर दोस्तों, आपको ये भी ख्याल रखना चाहिए कि कच्ची हल्दी का सेवन कम मात्रा में किया जाए क्योंकि इसके अत्यधिक सेवन से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल संकट और अन्य दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। ये तो हम जानते ही हैं कि अपने भोजन में हम हल्दी के साथ ही कई और मसालों का भी रोजाना मिलाकर इस्तेमाल करते हैं। आइए अब मैं आपसे कुछ अन्य बेहतरीन खाद्य मसालों के स्वास्थ्य संबंधी फायदों की भी जानकारी साझा करता हूँ। दालचीनी। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, विरोधी भड़काऊ और रक्त शर्करा कम करने वाले प्रभाव पाए गए हैं। अदरक। पाचन समस्याओं के इलाज के लिए सदियों से अदरक का उपयोग किया जाता रहा है और इसमें सूजन रोधी और दर्द निवारक प्रभाव भी हैं। काली मिर्च। इसमें पिपरिन नामक यौगिक होता है जो कुछ पोषक तत्वों के अवशोषण में सुधार करता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव भी होते हैं। लौंग। ये मसाला एंटीऑक्सीडेंट्स का एक समृद्ध स्रोत है और इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी, जीवाणुरोधी और एंटीवायरल गुण भी पाए जाते हैं। इलायची। पाचन समस्याओं के इलाज के लिए पारंपरिक चिकित्सा में इलायची का उपयोग किया गया है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट, विरोधी भड़काऊ और रक्तचाप कम करने वाले प्रभाव होते हैं। ऋषि को एंटीऑक्सीडेंट और विरोधी भड़काऊ प्रभाव के रूप में दिखाया गया है और ये मसाला मस्तिष्क के कार्य और स्मृति को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। इन मसालों को अपने आहार में शामिल करके आप दोस्तों अपने भोजन में स्वाद और पोषण जोड़ सकते हैं और संभावित रूप से आपके समग्र स्वास्थ्य में सुधार भी होगा। इनके अलावा जीरा, काली मिर्च, धनिया, जावित्री, छोटी व बड़ी इलायची, अनारदाना और अजवाइन जैसे अनेक मसाले भारतीय और एशियाई देशों में बड़े चाव से कई व्यंजनों में प्रयोग होते हैं। इन सभी मसालों के खाने का जायका और पोषण क्षमता बढ़ाने का अपना खास गुण होता है। मगर दोस्तों, इन सभी में हल्दी एक लाजवाब मसाला है जिसका कोई मुकाबला नहीं। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करने के साथ ही बेल आइकॉन का बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए विषय के साथ। नमस्कार।